10.1 आ रहा है, 9.7 गया, और इसे मैं यहाँ पे लगाकर गोवा वाले बीच पे बेचूंगा। आ जाना आप वहाँ पे पीने। ओके, तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है मिनी फ्रिज के ऊपर। इससे पहले हमने मिनी एसी का रिव्यू किया था और आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिखाया था वहाँ पे, और गाइस उस पर काम चल रहा है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी हैं कि भाई उसका कुछ रीडिजाइन करके लाओ, थोड़ा अच्छा बनाओ, इफेक्टिव बनाओ, और हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा वो बताओ। तो वीडियो जल्दी आएगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस पर, दो तीन इंजीनियर उस पर काम कर रहे हैं। ओके, तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है इस मिनी फ्रिज के ऊपर। और गाइस मुझे एक फ्रिज लेना था, मिनी आपके लिए लेना था। कितना इफेक्टिव होता है, आपका पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, सभी चीज़ आपको बताएंगे। तो गाइस ये आता है ब्लैक प्लस डेकर ब्रांड की तरफ से, जैसा आप देख सकते हो। ओके, तो गाइस इसका अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर रखा हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज करना था ताकि मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ कितना ठंडा कर पाता है, कितना वाट लेता है, ये सभी चीज़ मुझे टेस्ट करना था। तो ये सब मैं करने के लिए इसे निकाल रखा हूँ पहले से ही। चलिए दिखा देते फिर भी आपको बॉक्स में क्या क्या देखने मिलता है। ओके, ओके, तो गाइस बॉक्स के अंदर में जो सबसे यूजफुल सामान है ये होने वाला है वायर, जो आपको कार में लगाना है। और गाइस आपके पास कार नहीं है तो आप अडेप्टर ले सकते हो, जो मेरे पास अभी नहीं है। यहाँ पे स्ट्रैप है जो आप आराम से यहाँ पे लटकाकर चल सकते हो बीच पे, बताएंगे किस तरह से। यहाँ पे वारंटी कार्ड वगैरह, यूजर मैनुअल है जिससे हमें कोई जरूरत नहीं है, सब मैंने पढ़ रखा है आपके लिए। ओके, तो गाइस अब यहाँ पे ऑन कर लेते हैं इस मिनी रेफ्रिजरेटर को। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे अभी कार नहीं है तो गाइस आपको लेना पड़ेगा एक अडेप्टर, और ये जो अडेप्टर है ये होने वाला है आउटपुट 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का, जैसा आप देख सकते हो एसी से डीसी अडेप्टर होता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह का जो इसके बॉक्स में दिया गया था ये आपको ऐसे लगाना है, ये लग गया। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, अब गाइस आगे का जो ओवरव्यू है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए नहीं है, ऑफ के लिए बीच में आपको करना पड़ेगा स्विच को, नीचे आप करते हो तो कोल्ड हो जाएगा, ऊपर करोगे तो हॉट हो जाएगा। और यहाँ पे लगा हुआ है, इसे हमें लगाना है प्लग को, प्लग लगा लेते हैं। ओके, तो गाइस जैसा आप देख सकते हो अभी ये हो चुका है हॉट पे, तो यहाँ पे बाहर की तरफ ठंडा हवा आ रहा है, और जैसे आप नीचे करोगे तो यहाँ पे अभी बाहर की तरफ गर्म हवा आ रहा है और अंदर हो रहा है चिल्ड। तो गाइस यहाँ पे मेरा काम हो रहा है चिल, अंदर ठंडा ठंडा सारा चीज़ होगा। अब गाइस बात करते हैं और भी क्या क्या इसमें। जैसे आप ये देख रहे हो स्ट्रैप, इसे मैंने लगा लिया है और इसे मैं यहाँ पे लगाकर गोवा वाले बीच पे बेचूंगा। आ जाना आप वहाँ पे पीने। ये जो आगे की तरफ आप दो देख रहे हो ये कैन होल्डर है, इसमें अपना कैन रख सकते हो या जो भी आपको रखना है बीच पे आप रख सकते हैं, समझ जाओगे आप। ओके, अब गाइस यहाँ पे आगे की तरफ देखो, सॉरी पीछे की तरफ, यहाँ पे स्टोरेज बनाया गया है जिसमें आप केबल वगैरह रखोगे। और इसके बाद दो आपको पाउच देखने मिलते हैं, इसमें और भी आप चीज़ें रख सकते हैं जैसे कि चिल्ड और हॉट के अलावा जो आता है वो आप इसमें रख पाओगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ओके, अब गाइस यहाँ पे आप देखो इस तरफ भी यहाँ पे बनाया गया है, ब्लैक प्लस डेकर का ब्रांडिंग किया गया है, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। और इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है अगर इसे आप धूप में भी रखते हो तो कोई डैमेज नहीं करेगा अंदर के प्रोडक्ट को, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो सच में काफ़ी अच्छा है, एक साल की वारंटी के साथ भी आता है। अब गाइस यहाँ पे ये ऑन हो गया है, अब स्टोरेज दिखाता हूँ आपको कि स्टोरेज किस तरह से आपको देखने मिलता है। ओके, यहाँ पे तो स्टोरेज में काफी सामान रखा गया गाइस, जैसा आप देख सकते हैं स्प्राइट है, कोका कोला है, मॉन्स्टर है, और क्या क्या है एक मिनट देखता हूँ कितना है। पी चुका हूँ मैं। ओके, और दिखाता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा ही है गाइस, जैसा आप देखो यहाँ पे चॉकलेट वगैरह भी है। ओके, पेपर बोट भी है। तो गाइस स्टोरेज आप समझ सकते हो, ये जो स्टोरेज है यहाँ पे देखो आप, ये जो स्टोरेज होने वाला है गाइस ये आपको 8 लीटर का देखने को मिलता है। इसमें एक और मॉडल आता है जिसमें आपको 24 लीटर का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, उसका प्राइस 8000 के राउंड में आता है और ये 6000 का होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो जितना सामान इसमें रखा गया है, अगर आप फैमिली में 4 लोग हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, अगर आप फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। बीच वगैरह पे आराम से इसमें बियर वगैरह रख सकते हो, जैसे ये कैन आप देख लो, कैन का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो आराम से इसमें आप 6-7 कैन रख सकते हो और चिल कर सकते हो, जहाँ पर भी जाकर आप करना चाहते हो आप चिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस यहाँ बात करते हैं ये कितने डिग्री तक इसे कोल्ड कर सकते हैं और कितने डिग्री तक हॉट हो सकता है। यहाँ 50 से 60 डिग्री तक ये हॉट कर सकता है, यानी जो पानी होगा वो लगभग आपको गर्म देखने को मिल जाएगा। अगर आप विंटर में पानी पीना चाहते हो थोड़ा गर्म पानी, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा है, 50 से 60 डिग्री आई थिंक इनफ होता है, मतलब वार्म वाटर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो कोल्ड है, कोल्ड आपको 15 से 18 डिग्री का देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर ज़्यादा कोल्ड तो नहीं होता है, ये जो कोल्ड मैंने आपको दिखाया है ये एक बार मैं पीकर देख लेता हूँ कितना कोल्ड होता है। ओके, खाली वाला है,
मैं तो मॉन्स्टर पीऊँगा। ओके तो गाइस यहाँ पे यस यस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है गाइस। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर डिवाइस है मेरे पास, इसे चलो चेक करते हैं कितना अंदर का टेम्परेचर होता है। ओके अभी मैं इसे फ़ारेनहाइट नहीं डिग्री में कर दिया हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 10.1 आ रहा है, 9.7 गया, 9.7 9.7 ही है, 9.6 जैसा आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो, टेम्परेचर 10 डिग्री से अंडर में ही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब एक ऐसा ठंडा हो जाएगा जिससे आप आराम से पी सकते हो, आपको गर्म तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। इवन आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए रख देते हो तो चिल्ड भी हो सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस फाइनली बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन का, ये जो मिनी फ्रिज है ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो मैं ऑनेस्टली इसे मैं 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 दिन से ये ऑन ही था, यहाँ पे मैंने इसे बंद नहीं किया है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ठंडा हो चुका है ये जो कैन है। अब यहाँ पे अगर आप इसे सोचते हो 1 या 2 घंटे के लिए इसमें कुछ रख देते हैं ठंडा हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है, ठंडा बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्मल हो सकता है, ठंडा तो नहीं होगा। ओके आप आराम से 7 से 8 घंटे के लिए रखोगे देन ये ठंडा कर देगा। अगर आप यहाँ पे हॉट की तरफ जाते हो तो हॉट काफ़ी अच्छा है, 50 से 60 डिग्री आपको हॉट देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये उनके लिए है जो थोड़ा बहुत ठंडा ऑलरेडी लेकर इसमें रख के कहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे ट्रैकिंग के समय यूज कर सकते हो, अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं, या आप बीच पे जा रहे हो वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस सब पर्टिकुलर देखें यहाँ पे जरूरतों को, तो ये काफ़ी अच्छा मिनी फ्रिज होने वाला है आपके लिए। प्राइस काफ़ी अच्छा है, 6,000 में आपको देखने मिल जाएगा। आपके अगर यूज का है तो आप इसे ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा वहाँ से। और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड में कोई क्वेश्चन है इस मिनी फ्रिज के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स से पूछे। और इसी तरह का आपको इंटरेस्टिंग कूल और फैंटास्टिक वीडियो देखना अच्छा लगता है, इन्वेंशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अभी इतना ही नहीं है गाइस, वेट जस्ट होल्ड ऑन, सब्सक्राइब कर देना।